अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास पर भी साफ तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं राजेश गर्ग के जरिए। मुझसे पूछ रही है पूजा, जी जी यकीनन ये जो टेप है ये कितनी कितनी लंबी कितने लंबे समय तक चलेगा और कितनी लंबी दौड़ लगाएगा, इसका तो मुझे फिलहाल अभी एहसास नहीं है। एक दफा मैं भी उसे पूरा का पूरा सुनना चाहूंगा, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाऊंगा। लेकिन मैं जो राजेश गर्ग जी से समझने की कोशिश कर रहा था कि कहीं वो हथियार तो नहीं बन रहे हैं एक कैंप का, क्योंकि एक कैंप दूसरे कैंप पे लगातार हमला कर रहा है, और कल जिस तरीके से प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव के खिलाफ जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया मनीष सिसोदिया का, संजय सिंह, गोपाल राय और पंकज गुप्ता का, ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीनियर मोस्ट लीडर हैं आफ्टर केजरीवाल, ये रसूख रखते हैं पार्टी में, इनका ज्वाइंट स्टेटमेंट आया। और उसके बाद जब प्रशांत भूषण ने से मीडिया ने जब सवाल किया था इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद, तो उन्होंने कहा कि दिस इज गुड, द ट्रूथ, द कंट्री विल नो द ट्रूथ वेरी सून, जो बहुत अच्छा है और अब पूरे देश को सच्चाई का पता चलेगा। और योगेंद्र यादव ने भी उसके बाद जो रिएक्शन दिया उसमें ये कहा था कि अच्छा है, अब खुले में बातचीत हो रही है, ओपन डिस्कशन होगा, और शाम में राजेश गर्ग जी आ जाते हैं और ये भी एक ऑडियो टेप लाते हैं। मुझे लगता है ये 14-15 तारीख तक, जब तक अरविंद केजरीवाल आते नहीं है, तब तक ये चलता रहेगा, वार पलटवार का दौर चलता रहेगा, एक दूसरे पर आरोपों का यूं ही दौर चलेगा। और मुझे लगता है कि ये राजेश गर्ग जी का जो मसला है ये YYPV कैंप, YY यानी कि योगेंद्र यादव और PV मतलब प्रशांत भूषण, ये इस कैंप की तरफ से या तो उनकी तरफ से हो या फिर राजेश गर्ग की, चूंकि इधर से बहुत खफा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो भी एक फॉर्मूला है, शायद इस कैंप पर हमले की ये पहली कोशिश थी इस तरफ से। जरा देखिए अभी आप आगे मामला अभी और भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, बगावत का सिलसिला बढ़ चुका है, दो गुट बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के अंदर। इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली में नहीं है, बेंगलुरु में है और उनके पीठ पीछे सब कुछ चल रहा है। ये नया खुलासा ऑडियो टेप के जरिए, राजेश गर्ग का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी, वो चाहते थे कि सरकार बन जाए, चुनाव में आम आदमी पार्टी को न जाना पड़े। इस टेप के बाद कितनी सनसनी मचती है ये कुछ देर बाद आपको पता चलता रहेगा। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।